वेलकम करेंगे अबाउट होमोलोग काम करते हैं कंपाउंड ले लेते हैं कोई भी एक कैटेगरी का कंपाउंड ले लो लेट्स से एक एल्किन लेते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एक एल्कीन ले लेते हैं दो कार्बन वाली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओके और एक कोई कंपाउंड ले लेते हैं जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है ग्रुप ठीक है अब आपने जो भी कैटेगरी ली है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप द कैटेगरी यू हैव टेकन अब आपको करना क्या है इसमें बेसिकली आपको सिंपल यहां पे एक कार्बन बढ़ाते जाना है बाकी के चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब इफ इट इट इज़ हाइड्रोकार्बन, शुड रिमेन आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदल सकते ठीक है तो एक कार्बन की जगह मैंने दो कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया फिर

डबल बॉन्ड ठीक है सेम यहां पे करते हैं अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड लिया था जिसके पास एक कार्बन है अब हम लेते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाला दूसरा कंपाउंड जिसके पास दो कार्बन है फिर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाला थर्ड कंपाउंड जिसके पास तीन कार्बन है और एक एक करके हमने इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते बढ़ाते फोर तक पहुंचा दी ठीक है अब फटाफट से इसकी आप बैलेंसी कंप्लीट सेटिस्फाई कर लो ठीक है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या यूज करोगे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन तो आपने वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया टू सेटिस्फाई वैलेंसी वी हैव यूज्ड हाइड्रोजन एटम्स ठीक है तो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी फोर होती है टू सेटिस्फाई दैलेंसी वी हैव अटैच द हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऑलरेडी तीन बॉन्ड है तो फोर यहाँ ऑलरेडी दो बॉन्ड है तो टू मोर तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाए नंबर ऑफ कार्बन आपने बढ़ा दिए अब आप उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो ठीक है अभी तक और कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इतना ही करना है ठीक है थ्री एंड टू थ्री टू तो यहां पे हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया ठीक है अब एक काम करो इन इंडिविजुअल कैटेगरी कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखो क्या है इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो ये सी टू एच सिक्स है मतलब नंबर ऑफ कार्बन वन की जगह टू हो गए हाइड्रोजन फोर की जगह सिक्स हो गए मतलब दिस इज द इंक्रीज ऑफ सी एच टू ग्रुप अब यहां पे कंपेयर करो तो ये सी एच थ्री सी एच थ्री तो सेम है ऊपर भी सी एच थ्री सी एच थ्री था ये सी एच टू ग्रुप नया आ गया मतलब ये पूरा फॉर्मूला हो गया सी थ्री एच एट और यहां पे टोटल फॉर्मूला हो गया सी फोर एच टेन ठीक है तो सेकेंड और थर्ड मेंबर में क्या डिफरेंस है सी एच टू ग्रुप का उसके बाद थर्ड और फोर्थ मेंबर में क्या डिफरेंस है सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस है अब इनके फॉर्मूलाज को भी देखो इसका फॉर्मूला है सी एच फोर इसका सी टू एच सिक्स नंबर ऑफ कार्बन टू और हाइड्रोजन हो गए डबल टू का डबल फोर प्लस टू सिक्स यहां पे देखो कार्बन थ्री और हाइड्रोजन कितने हो गए थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू एट तो इस पूरे का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया सी एन एच टू एन प्लस टू समझ में आ गई बात ठीक है चलो अब यहां पे देखो आ, इसका फॉर्मूला है सी टू एच फोर जब यहां पे टोटल करोगे तो आएगा सी थ्री एच सिक्स जब यहां टोटल करोगे तो आएगा सी फोर एच एट यहां टोटल करोगे तो आएगा सी फाइव एच टेन क्या हो रहा है ये बेसिकली टू थ्री फोर फाइव कार्बन इज इंक्रीजिंग बाय वन हाइड्रोजन फोर सिक्स एट टेन हाइड्रोजन आर इंक्रीजिंग बाय टू तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है सीएच टू ग्रुप का डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय सी एच टू ग्रुप और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल है ठीक है ना यहां पे देखो सीएच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच में एक नया सीएच टू ग्रुप आ गया अब यहां पे एक सी एच टू ग्रुप है यहां दो सीएच टू ग्रुप हो गए यहां दो सीएच टू ग्रुप है नीचे तीन सी एच टू ग्रुप हो गए मतलब कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस दिख रहा है सीएच टू का और कोई डिफरेंस दिखता है क्या फंक्शनल ग्रुप देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है ओ एच ओ एच ओ एच एंड ओ एच ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप सेम है सब कुछ सेम है only the consecutive member are differing by only CH2 group ठीक है अब यहाँ पे आप किसी भी formula को compare करके देखो जैसे carbon है आ, यहाँ पे देखो तो two carbon है hydrogen कितने three plus two five NOH नेक्स्ट फॉर्मूला को देखो कार्बन कितने थ्री हाइड्रोजन कितने थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन सी थ्री एच सेवन ओ एच पैटर्न दिख रहा है आपको थ्री थ्री का डबल सिक्स प्लस वन सेवन टू टू का डबल फोर प्लस वन फाइव तो यहां क्या हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप इनके पास सेम है लेकिन इन सभी मेंबर्स को मैं एक ही जनरल फॉर्मूला यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं विच इज सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच अभी तक आपको कुछ कंक्लूड नहीं करना है जो मैंने दिखाया है उसको ऑब्जर्व करके एब्सॉर्ब करना है ऑब्जर्व करो और एब्सर्व करो तो मैंने एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाई है जैसे एल्केन की सीरीज बनाई एल्किन की सीरीज बनाई और एल्कोहल की सीरीज बनाई इन सीरीज़ ऑफ दीज कंपाउंड वॉट डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मेंबर सी एच टू ग्रुप दैट्स इट बट ऑल द मेंबर्स आर हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस ऑफ सी एच टू ग्रुप मतलब मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस हो जाएगा तो सभी में बीच में सीएच टू का डिफरेंस है कार्बन का एटमिक मास ट्वेल्व और हाइड्रोजन का टू तो कॉन्सिक्यूटिव में बीच में डिफरेंस कितना है फोर्टीन लेकिन इस पर्टिक्यूलर सीरीज के किसी भी एक पर्टिकुलर सीरीज के बीट एल्केन और बीट एल्कोहल और वटेवर इसमें से किसी भी सीरीज के सभी मेंबर्स को मैं किसी एक जनरल फॉर्मूला से शो कर सकता हूं जैसे इस को मैं इस जनरल फॉर्मूला से शो कर सकता हूं सी एन एच टू एन प्लस टू एल्किन सीरीज के किसी भी मेंबर को मैं जनरल फॉर्मूला से शो कर सकता हूं सी एन एच टू एन एल्कोहल सीरीज के किसी भी मेंबर को मैं जनरल फॉर्मूला से शो कर सकता हूं सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच समझ में आया तो ये इस तरह की जो सीरीज होती है ध्यान से सुनना एक कंपाउंड्स की सीरीज है ठीक है उस सीरीज में जो कंपाउंड्स हैं, उनके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है इन वर्ड्स उनके कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में सिर्फ सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में सिर्फ सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है मेंबर्स के बीच में सिर्फ CH2 टू ग्रुप का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे कंपाउंड्स को ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को वेयर कॉन्सेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय ओनली सी एच टू ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सिमिलर स्टडीज मतलब इस सीरीज में आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी मेजोरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उनका मेजोरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा होमोलोगस सीरीज़। तो आप फटाफट से एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड इन विच द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय ओनली सी एच टू ग्रुप ज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज ठीक है सक्सेसिव right? so, में सीरीज डिफर फ्रॉम इच अदर बाय बाई दिथाइलिन ग्रुप दी एच टू ग्रुप राइट सो जैसे सीरीज़ में है तो पहला में ठीक है दूसरा मेंबर हमारे पास क्या है एक सी एच टू ग्रुप और एड कर दिया यहां यहां पर एक सी एच टू ग्रुप और एड कर दिया ठीक है तो ये क्या बन गया सी टू एच सिक्स अब यहां पे एक सी एच टू ग्रुप और ऐड कर देते हैं ठीक है ये एक सी एच टू ग्रुप और ऐड कर दिया तो फॉर्मूला क्या हो गया सी थ्री एच एट तो कॉन्जिक्यूटिव था, इसके पास दो सी एच टू हो गए इस सेकेंड वाले के पास दो सी एच टू थे थर्ड के पास तीन सी एच टू हो गए दिस इज मेंबर्स के बीच में और कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस है ऐसी जो सीरीज ऑफ कंपाउंड होते हैं उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज अब होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर्सिस्टिक्स क्या होते हैं बिफोर आई लिस्ट देम आउट आप खुद ही सोच के देख लो नंबर 1 पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होमोलोगस सीरीज का ये है दैट सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए एलिफेटिक है तो कंपाउंड एलिफेटिक रहेगा एरोमेटिक है तो एरोमेटिक रहेगा एलिसाइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक रहेगा है तो सैचुरेटेड रहेगा है तो अनसैचुरेटेड रहेगा द नेचर ऑफ द कंपाउंड शुड नॉट चेंज द कॉन्सिक्यूटिव मेंबर शुड डिफर बाय सी एच टू ग्रुप ओनली ठीक है एंड दैट्स ऑफ कंपाउंड सेकेंड थिंग अगर Uh, उनके फॉर्मूला में डिफरेंस है CH2 टू तो उनके मोलिकुलर वेट में कितना डिफरेंस होगा कार्बन का मास 12 हाइड्रोजन का 2 मतलब के में होगा, 14 का होगा. तो के बीच में जैसे इसका मोलिकुलर मास फाइंड करोगे तो कितना आएगा सिक्सटीन कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का फोर तो नेक्स्ट का कितना आना चाहिए सीएच ग्रुप का डिफरेंस है तो नेक्स्ट का आएगा सिक्सटीन प्लस फोर्टीन थर्टी राइट नेक्स्ट में कितना आना चाहिए फोर्टी फोर चेक करके देख लो ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स प्लस एट फोर्टी फोर तो कॉन्जिक्यूटिव में डिफरिंग ओनली बाय सी एच टू ग्रुप ओके सो कैरेक्टर स्टिक्स क्या होते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक कॉन्जिक्यूटिव में डिफर बाय सी एच टू दूसरा कैरेक्टरिस्टिक

और मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस कितना होगा 14 सेम क्या रहेगा सेम फंक्शनल ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर और क्या इनमें सिमिलरिटी होगी सेम जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल मेंबर सेम जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल मेंबर्स ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सबका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा समझ में आ गई बात ठीक है तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगा सीरीज एक पॉइंट और है व्हाट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी या डिफरेंस होगा और डिफरेंस होगा तो क्या कोई पैटर्न फॉलो करेंगे या रैंडम होंगे तो इस बात को ध्यान से समझ लो और हमेशा आगे के लिए भी याद रखना होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है पॉइंट नंबर वन बाय फोर्टीन इसको एक तरफ पार्किंग लॉट में डाल दो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी सोलिबिलिटी ये सब कुछ डिपेंड करता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ठीक है जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल मिथेनॉल एंड इथेनॉल दोनों के अंदर ओ OH एच ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर मास अलग है So way, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होगी लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है कंपल्सरी होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज विल शो अ डेफिनेट ग्रेडेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेट ग्रेडेशन डेफिनेट ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब, है definite gradation of physical properties का? मतलब कोई फिजिकल uh, प्रॉपर्टी है तो वो पूरी सीरीज में बढ़ता ही जाएगा मीथेन टू इथेन इथेन टू प्रोपेन प्रोपेन टू ब्यूटेन ब्यूटेन टू पेंटेन लेट सपोज ग्रुप में नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है ठीक है तो दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग ऐसा नहीं है कि कभी बढ़ गई कभी कम हो गई तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है क्यों सिमिलर होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेफिनेट ग्रेडेशन देखने को मिलता है ठीक है रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मुला ओके द सेम फंक्शनल ग्रुप ओके सिंस सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम द सी एच टू ग्रुप देयर मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय द फोर्टीन यूनिट्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ, के लिए उसमें react, वही reactant, पहले मैंने एक कार्बन का रिएक्टेंट लिया था तो मिथेनॉल बना था अब अगर मैं दो कार्बन का रिएक्टेंट ले लूंगा तो इथेनॉल बन जाएगा या इथेनॉल बनाने के लिए मेरे को कुछ मैथड ऑलरेडी पता है तो वही मेथड में प्रोपेनोल बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ ओनली थिंग इज रियक्टेंट दूसरा लेना पड़ेगा तो so, होमोलोग के सभी members को prepare करने के लिए, हम सेम मैथडर मैथड ऑफ प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं सीरीज शो दिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी करनी भी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम है राइट right? होमोलोगस होमोलोगसरीज शो द डेफिनेट ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसा बताया बी डेफिनेट पैटर्न ऑफ द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अब ये बात हमेशा याद रखना कि जो सक्सेसिव मेंबर है उनमें आ, सिर्फ सीएच टू ग्रुप का डिफरेंस होगा ना तभी उनको होमोलोगस मेंबर्स बोल सकते हैं ठीक है अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे गिव सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन होमोलोग सीरीज कीटोन होमोलोगस सीरीज का कोई मेंबर बताइए थर्ड सेकेंड मेंबर बताइए तो कीटोन क्या होता है सीओ Agreed. तो इसका पहला मेंबर कैसे बनेगा कीटोन बनाने के लिए दोनों तरफ कार्बन लगाने पड़ते हैं इसका मतलब ये फर्स्ट मेंबर है तो कभी भी ये मत समझना कि होमोलोगो सीरीज का फर्स्ट मेंबर मतलब वन कार्बन होना चाहिए वो तो नेचर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करेगा थिन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसमें तो दो ही कार्बन होते हैं समझ रहे हो तो ये एक कार्बन वाली इथिन तो पॉसिबल नहीं है ना तो इथीन का फर्स्ट मेंबर में दो कार्बन होंगे वैसे कीटोन के फर्स्ट मेंबर में तीन कार्बन होंगे तो सेकंड मेंबर में कितने हो जाएंगे अब यहां से यहां जाने में आपको सिर्फ एक सीएच टू ग्रुप एड करने की परमिशन है तो आप किसी भी एक तरफ में कहीं पे भी एक सीएच टू ग्रुप लगा दो Clear? So, uh, कुछ फॉर्मूलाज uh, हैं जो आपको याद रखने चाहिए uh, कुछ होमोलोग के नाम है और जनरल फॉर्मूला सबसे होमोलोग का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल प्लस टू उसके बाद एलकीन एंड साइक्लो एल्केन चाहे एल्किन सीरीज लो या साइक्लो एल्केन सीरीज लो ठीक है इनका फॉर्मूला होता है सी एन एच एक टू एन एक देखो एग्जाम्पल एक से बताता हूं मैं आपको सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एल्किन है कार्बन तीन है और हाइड्रोजन छह है अब मैं तीन कार्बन की एक रिंग बना देता हूं लेकिन सिंगल बॉन्ड तीन कार्बन की रिंग है सिंगल बॉन्ड तो साइक्लिक है और प्रिंसिपल कार्बन चेन में तीन कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है साइक्लोप्रोपेन मतलब ये हो गया साइक्लो एलकेन हो गया आपके पास कंपाउंड तो H2 टू प्लस एच टू प्लस एच टू क्या बन गया सी थ्री एच सिक्स तो एल्केचुरटेड मतलब है लेकिन साइक्लिक है. तो उसका भी फॉर्मूला सी एन एच टू एन होता है और जो ओपन चेन कंपाउंड वाली एल्किन होती है उसका भी फॉर्मूला सी एन एच टू एन होता है नेक्स्ट एल्काइन एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन इज सी एन एच टू एन माइनस टू फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये ले लिया एल्काइन अब ले लेते हैं एक साइक्लो एल्कीन सॉरी साइक्लो एल्कीन चार मेंबर की रिंग बना लेते हैं और कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं साइक्लो एल्कीन बैलेंसी कंप्लीट करते हैं बाय प्लेसिंग हाइड्रोजन ये हो गया सी फोर हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स डबल से दो कम यहां पे भी देखो इन दोनों के केस में फॉर्मूला आ रहा है सी फोर एच सिक्स तो दोनों होमोलोग सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम है सी एन एच टू माइनस टू नेक्स्ट एल्कोहल एंड ईथर एल्कोहल एंड ईथर दोनों होमोलोग सीरीज का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ओ फॉर एग्जाम्पल दो कार्बन का एल्कोहल बना लो दो कार्बन का ईथर बना लो हाइड्रोजन लगा के बैलेंसी कंप्लीट कर लो दो कार्बन छह हाइड्रोजन थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स और एक ऑक्सीजन जितने कार्बन है हाइड्रोजन है उसके डबल प्लस टू उसके बाद आता है एलडीहाइड एंड कीटोन से नेक्स्ट वी हैव गॉट इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन तो देखो इनका फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन ओ जैसे तीन कार्बन का एल्डिहाइड बना लो या फिर तीन कार्बन का कीटोन बना लो ठीक है वैलेंसी कंप्लीट कर दो बाय प्लेसिंग हाइड्रोजन अब देखो सी थ्री एच सिक्स ओ दोनों का फॉर्मूला यही आएगा तीन कार्बन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू ओ टू कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मुला भी यही है और एस्टर का जनरल फॉर्मूला भी सेम है कोई डिफरेंस नहीं है तो जस्ट राइट वन एग्जांपल ऑफ द द एस्टर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के एग्जाम्पल में लेट्स से एक तीन कार्बन वाला एग्जाम्पल ले लेते हमारे पास है वन टू थ्री कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा है वन टू एंड थ्री कार्बन एस्टर वैलेंसी कंप्लीट कर दिया प्लेसिंग हाइड्रोजन अब देखो दोनों केसेस में कार्बन कितने हैं तीन हाइड्रोजन कितने हैं छे और ऑक्सीजन है दो सी थ्री एच सिक्स ओ टू सी थ्री एच सिक्स ओ टू ठीक है तो सी एन एच टू एन ओ टू ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी अप्लाई होता है एस्टर पे भी अप्लाई होता है सेवन आता है अमाइन अमाइन की तीन कैटेगरी हमने पढ़ी है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सनी अमाइन तीनों अमाइन के लिए सेम फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस थ्री कैपिटल एन ठीक है तो जैसे एक प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं प्राइमरी अमाइन का मतलब एनएच टू एक सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं इसका मतलब NH और एक टर्स अमाइन ले लेते हैं इसका मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप है एन कार्बन देखो तीन है सबके पास हाइड्रोजन काउंट करो टोटल नाइन है और नाइट्रोजन एक है तो थ्री का डबल सिक्स प्लस थ्री नाइन सी एन एच टू एन प्लस थ्री कैपिटल एन ठीक है तो ये होमोलोगस सीरीज के कुछ जनरल इंपॉर्टेंट फॉर्मलाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे थ्रू आउट द सिलेबस विल बी कीप ऑन यूजिंग दिस जनरल मैं फटाफट से क्विकली रिवाइज करवा देता हूं सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें मेंबर के बीच में डिफरेंस है ओनली सी एच टू का अगर सी एच टू का डिफरेंस है तो मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस होगा फोर्टीन का वट अबाउट फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा वट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी जब फंक्शनल ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर राइट right? ट इज द अदर थिंग कॉमन इन ऑल द सभी मेंबर्स को हम एक जनरल फॉर्मूला से शो कर सकते हैं वॉट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज यस फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेफिनेट ग्रेडेशन होता है डाउन द सीरीज जब कार्बन बढ़ रहे हैं तो सम प्रॉपर्टी विल ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग और सम प्रॉपर्टी ग्रेजुअली कीप ऑन डिक्रीजिंग ठीक है जैसे मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनोल ब्यूटेनोल पेंटेनोल हेक्सेनॉल हेप्टेनॉल ऑक्टेनॉल इन सभी में जब सीरीज में नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन वाटर में ग्रेजुअली सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस बढ़ रही है एक फिजिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली कम हो रही है बट वॉट एवर इज द पैटर्न दैट इज बिंग कंटिन्यूअसली फॉलो राइट और सीरीज के सभी मेंबर्स को बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं उस मेथड को अप्लाई करके हम सीरीज के सभी मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट मीन्स दे हैव कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दैट्स एवरीथिंग अबाउट होमोलोगस सीरीज